में रिश्ता बचाना मुश्किल हो जाए, जब परिवार में कलह इतनी बढ़ जाए कि अब लगे कि मानो तलाक हो ही जाएगा, जब रिश्ता बचाना, संबंध बचाना बहुत असंभव लगने लगे, जब आपको ये लगे कि अब आपका दिल का रिश्ता टूट टूट कर तार तार हो जाएगा, जब आपको ये लगने लगे कि अब आपका पार्टनर आपका हो ही नहीं पाएगा, जब आपको ये लगने लगे कि आपकी ये दिल की बीमारी लाइलाज हो गई है, तो मेथी के कुछ दाने घर के इस कोने में रख दीजिए। बस इतना करने से कुछ मिनटों में ही आपके घर की ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। मैं कह रहा हूं कि आज मेथी के कुछ दाने आपके अपने संबंधों को बेहतर बनाएंगे। आपके घर में कौन सा ऐसा कोना है जिसमें मेथी रख देने से आपका वैवाहिक जीवन या आपका रिलेशनशिप बच सकता है, आपका रिश्ता फिर से मधुर हो सकता है? और क्या घर का कोई ऐसा कोना होता है जिस कोने में ऐसी कोई एनर्जी पाई जाती है? क्या वास्तु के दृष्टिकोण से या तंत्र की दृष्टिकोण से या अघोर की दृष्टिकोण से या वैदिक दृष्टिकोण से या ज्योतिषीय दृष्टिकोण से घर का कोई कोना ऐसा होता है क्या जिस कोने की वजह से आपके रिश्ते खराब होते हैं? अब वो रिश्ते चाहे प्यार के हो, चाहे रिलेशनशिप के हो, चाहे शादीशुदा हो, चाहे वैवाहिक जीवन का संबंध हो, ऐसा कौन सा रिश्ता है जो प्यार देता है और प्यार छीनता है? अगर ये दो दिशाओं का, दो कोनों का हमें पता चल जाए तो हम जीत सकते हैं। ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसे आप बचाना चाहते हो, दिल का, हाँ, संबंधों का, पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने पार्टनर के साथ, जिसे आप प्रेम करते हो, जिसे आप बहुत ज्यादा चाहते हो, जो आपके लिए जी जान से ज्यादा प्यारा है? अगर ये सब चीजों में हाँ है तो आज हम आपको आपके घर का एक ऐसा कोना बताने वाले हैं जिसमें सिर्फ मेथी के कुछ दाने रखने हैं आपको। देखो, सोल्यूशन बहुत सरल है, लेकिन इस सरल सोल्यूशन को जब तक आप पूरा नहीं समझेंगे तब तक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेथी तो तुम्हारे किचन में पहले से रखी थी। ऐसा कौन सा काम मेथी से हो जाएगा जिससे आपका जीवन बच सकता है, बस उसी को बताने का हम काम कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी भी दुकान पर वायर बहुत सारा रखा हो, लेकिन वो वायर जब तक कनेक्ट नहीं किया जाए सही जगह से, तब तक लाइट नहीं जलती। हो सकता है कि कहीं पर बहुत सारे स्टोन्स रखे हो, लेकिन जब तक वो अंगूठी में बनाकर पहना ना जाए, किस तरीके से पहनना है, कब पहनना है, किसको पहनना है नहीं पता हो, तब तक वो स्टोन काम नहीं करता। जैसे आटे का एक उपयोग पता था रोटी बना के खाना, विदेशियों ने एक नई तरीका बताया कि उसको मैदा बनाओ और उससे पिज्जा बनाओ, रोटी से वो कई हजार गुना ऊपर हो जाता है, रेट में भी, वेट में भी, पसंद में भी। तो हर एक चीज की तकनीक आपको बड़ा बना देती है। जब आप किसी चीज की तकनीक जानते हो, सिस्टम जानते हो, करना जानते हो, तो आप जीत जाते हो। आपको बताऊं, मुझे ना खाना बनाने का बहुत शौक है। आज सीक्रेट बता रहा हूं आपको अपना। एक और खास बात, जब मैं आप कहता हूं तो तुम ये समझ जाना कि कुछ ज्यादा ही प्यार है, वरना तो तुम सब बच्चे हो और मैं तुम्हें तुम ही कह के बुलाऊंगा हमेशा। जिन्हें इस बात पर इतराज है उनके इतराज भी हमें स्वीकार है, हम तो उसके साथ भी कंटिन्यू है, हम नहीं रुकने वाले। हम तो कहते हैं भाई तुम्हारे सच्चे प्यार में हम पूरी सच्चाई के साथ खड़े हैं। करना क्या है? करना ये है, भूरे कलर में या ग्रे कलर में या ब्लैक कलर के कपड़े में आप थोड़ी सी चुटकी से, तीन चुटकी मेथी रख दीजिए, थोड़ा सा गुड़ रख दीजिए और एक कोई भी लोहे का सिक्का, लोहे का
टुकड़ा, लोहे की कील, लोहे का छल्ला, कुछ भी उसमें डाल दीजिए और बांध दीजिए। अब आपको इसे अपने घर के उस कोने में लटका देना है। कौन से कोने में? पश्चिम और उत्तर के कोने में लटका देना है। बस इतना करने से राहु महोदय आपके ठीक हो जाएंगे और आपके जीवन में आ रहे प्यार में संकट को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। प्यार में, रिश्तों में, संबंधों में, शादीशुदा जीवन में, पारिवारिक जीवन में, आपके आपके अपने निजी लाइफ में जो संकट आ रहे थे ना, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। ये ऐसा अनुभूत प्रयोग है, इसमें आपको टांगते समय 27 बार ओम रांग राहवे नमः जरूर बोलना है। ध्यान से, ये उपाय बहुत ज्यादा कारगर तब होता है जब आप इसे कब करें? बुधवार को या शुक्रवार को। बुधवार और शुक्रवार ये उपाय बहुत फायदेमंद है। करके देखिए, अनुभूत प्रयोग है, बहुत बेनिफिट होगा। टंगा ही रहने देना कुछ दिन तक, जब आपको लगे कि ये बहुत दिन हो गया है तो चेंज भी किया जा सकता है। जब आपको ये लगे कि बहुत पुराना हो गया तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, पर ध्यान रहे ये पोटली आपके परमानेंट अगर बंधी रहेगी घर में तो सत्य मानिए आपके संबंध विच्छेद नहीं होंगे, रिश्ते खराब नहीं होंगे, घर में प्यार की कमी नहीं होगी, प्यार का अभाव होगा ही नहीं और झगड़े का प्रभाव बढ़ेगा ही नहीं। करके देखिए, बहुत 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 फायदा होने वाला है आपको। खूब खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो, खूब आनंदित रहो, खूब तुम्हारे जीवन में प्यार बढ़े ऐसा शुभ आशीर्वाद है। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो, अच्छा रहने की कोशिश करो, सुंदर बनो, मुस्कुराओ, पानी पियो, यही तो कहता हूं। ये करने की चीज है और नहीं करने क्या चीज है? प्रीवियस लाइफ नहीं बताना, रोना नहीं, परेशान नहीं होना, नेगेटिव नहीं सोचना, उल्टा सीधा विचार नहीं करना। आपको पता है आज हमारे एक बच्चे ने फोन करके क्या कहा कि मैं अपने जीवन में अब ना शब्द जो है ना, इसका इस्तेमाल ही नहीं करती, जहां पर ना बोलना है ना वहां राम बोलती हूं। आह, मुझे लगा मेरा जीवन सुलभ हो गया, जो मैं सिखाना चाह रहा हूं वो सीखने लग गए बच्चे, यही तो चाहिए था। बहुत आशीर्वाद है, भगवान शिव तुम सबका पूरा कल्याण करें, आपके जीवन में खुशियां, प्रसन्नता, आनंद, वैभव, प्रेम भरे और आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें।